हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो सुबह हमारी काफ़ी जल्दी हो गई आज, और हम देखो मैंने कल आईब्रो कराया गाइस, सुकून मिला। और फेस वैक्स तो मैं घर में ही करती हूँ जैसे आप लोगों को तो पता है, और बहुत लोग पूछते हैं कि शिरीन आप कौन सा वैक्स यूज़ करते हो, तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी बताऊँगी आप लोग को। अगर मैं जो इराक का जो मेकअप लेके आई हूँ उसका ट्यूटोरियल दूँगी तब मैं आप लोगों को बताऊँगी उस मतलब मेकअप करने से पहले कैसा मैं वैक्स करती हूँ आपको बताऊंगी। तो अभी कैफ जुमेरात है आज, तो आज कैफ मस्त लोबान बोल लोबान करने में लगे हुए हैं, और समदानी को छोड़ के आ गए। तो अभी कैफ लोबान कर ले हुए घर में, फिर उसके बाद में थोड़ा नाश्ता वाश्ता कर लेंगे हम लोग, फिर उसके बाद में देखते हैं आज क्या है क्या नहीं, और क्या मन कर रहा है आज कैफ का खाने का, तो उसी को देखते हुए हम कुछ बनाएंगे, ठीक है। और जो भी बनाऊंगी वो तो आप लोग से शेयर करूंगी ही, ऐसा हो नहीं सकता जो मैं आप लोग को ना बताऊं। और गाइस मुझे एक बात बोलनी थी कि यार आप मेरा वीडियो कटोगे, देखो कैफ कैसे कैफ दिखाओ जरा, वो दिखाओ ना अपना स्टैंड लकड़ी का, इधर आओ एक सेकेंड आओ तो सही, ये देखो और वो कप लगा दिए, वो जो हम लोग ने गुलबर्गा से लाए थे वो कप लेके लगा के उसके ऊपर कैफ बकूर डाल देते तो और पूरा ज़्यादा ही धुआं हो जाता है घर में। और हाँ, मैं आप लोग को ये बोल रही थी, यार लोगों को कितना मिर्च मसाला चाहिए, जैसे मिर्च मसाला जैसे अभी वो बहुत ज़्यादा ही फेम में चल रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही है वो ज़्यादा कुछ फेम में चल रही है, तो यार बाकी ब्लॉगर्स कहाँ जाएंगे, आप लोग सब उनको ही व्यूज़ दोगे तो हम कहाँ जाएंगे, हम जैसे छोटे मोटे गरीब से ब्लॉगर्स कहाँ जाएंगे, आप सब उधर ही घुसे पड़े हो, थोड़ा इधर भी तो ध्यान दो, है कि नहीं। तो हमको भी थोड़ी ज़रूरत है आप लोगों की, यार आप लोग सिर्फ वहीं पर ही घुसे हो तो हमको भी थोड़ा ऐसा लगता है यार हम इतनी मेहनत करते हैं, हम चलो चीज़ें को क्रिएट करने के लिए, प्रैंक्स करने के लिए हम इतना रिस्क लेते हैं कि यार हाँ अगर मैं कैफ पे प्रैंक करूँगी खुदा ना खास्ता कुछ हो जावे या कुछ बात हो जाए, या फिर वो मेरे पे प्रैंक करेगा कुछ बात हो जाए, हम इतना रिस्क उठाते हैं। हम आप लोग को चीज़ें और दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप लोग खुश रहो तो हमें भी और ज़्यादा खुशी होगी, तो यार हम लोग हमारा 100% देते हैं, फिर आप लोग यहाँ वहाँ भटक जाते तो यार वही होती है दिल में, तो प्लीज़ थोड़ा गरीबों पर भी ध्यान दो, ठीक है। तो अभी मैं बैठी हूँ कैफ लोबान कर ले, मैं तो सुबह नहा वहा के मस्त फ्रेश हो के अभी घर वर पोछ वोछ के साफ ऑफ करके रख दी थी, कैफ आने के बाद लोबान करेंगे बोलते, तो कोई ना मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर बाद। कैफ गए हैं चिकन लाने के लिए, तो आज मैं बना रही हूँ दाल चावल और चिकन 65। तो यहाँ पर चावल मेरा गर्मा गर्म बन चुका है, यहाँ पर मैंने यहाँ फिर से मैं कन्फ्यूज़ हो गई, सो गाइस जो भी है तुअर दाल मैंने भीगने रख दिए, जजमेंट से बोल रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मेरे लिए पीने के लिए मैंने निकाला है गंजी, और गंजी मतलब मैं बचपन से गंजी ही बोलती हूँ, और मुझे पता नहीं और क्या बोला जाता है इसको चावल का पानी, मेरे को अब चावल का पानी है ये, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पीना, बहुत ज़्यादा। उसके अंदर मैं चावल डाल दी थोड़ा सा पका हुआ, और अभी मैं पीऊँगी, मुझे इतना पसंद है कि मैं क्या बताऊँ आप लोग को। तो अभी जाती हूँ, मैं इतने दिनों बाद पी रही हूँ, अभी थोड़ा ही कर लूँ, फिर कैफ आ जाएंगे तब तक चिकन लेके, फिर मैं चिकन विकन का आपको बताऊँगी कि क्या करने वाली हूँ मैं, कैसे चिकन 65 बनाने वाले, ठीक है। तो कैफ ने टमाटर लेके आया, इसका जड़ देखो कितना प्यारा दिख रहा है, क्योंकि तो क्यूट दिख रहा है यार, जड़ वाला टमाटर। तो अभी मैं दाल की प्रेपरेशन में लगी हुई हूँ, ठीक है। तो मैं आपको आगे बताती हूँ क्या करना है, पहले दाल तो सबको आती ही है, इजी है, बट फिर भी मैं बताऊँगी आप लोग को। मैं हूँ यहाँ पर, मैं दाल चढ़ा रही हूँ, दाल में मैंने डाल दिया है टमाटर, कांदा थोड़ा सा, और जीरा, और हरी मिर्ची, और कुछ भी नहीं डाला मैंने हल्दी के अलावा, नमक वमक कुछ भी नहीं डाला, ठीक है। अब इसको मैं सीटी देने छोड़ दूंगी, कम से कम 5-6 सीटी दूंगी, अच्छे से गल जाए, फिर इसको मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करूँगी और कैसे बगाड़ दूँगी। यहाँ पर मैंने दाल घोट लिया और उसमें थोड़ा पानी डाल लिया है, ठीक है, और अभी घी में बगाड़ दूँगी क्योंकि कैफ को घी पसंद है इसीलिए, तो पहले घी डाल देते सूप में। यहाँ पर घी गर्म होने लगती है, ठीक है, डाल देंगे राई,
जीरा, कड़ी पत्ता, लहसुन, और भी बहुत तरीके से दाल बनती है, तो कमेंट करके बताना कि कैसे कैसे तरीके से बनती है। गांव वाले लोग बहुत ऐसा बाजार ये सब भी नहीं देते, कोई कोई लोग बिना बाजार के भी बनाते। कभी अपना बाजार अच्छे से लाल हो जाए। मिक्सी में बन रही है दाल अपनी, ठीक है, तो कांदा लाल हो जाए, फिर मिलते हैं आपको। जैसे कांदा अपना अच्छा लाल हो रहा है, तो जो आंटी ने मिर्ची पाउडर दिए थे, तो मैं थोड़ी वो भी डाल दूँगी इसमें, तड़का मसाले के लिए, फ्लेवर के लिए थोड़ी डालूँगी, ठीक है। अब इसमें अपन दाल डाल देंगे, एक हाथ से शूट करना और एक हाथ से सब करना तो बहुत बड़ा टास्क होता है। ये हमने पकड़ के दे दिया मस्त घी का, अभी थोड़ी देर इसको उबाल आने के लिए छोड़ देंगे, फिर कुक में डाल देंगे, ठीक है। तो गाइस अपना दाल हो चुका है रेडी, तो अभी इसमें उन जितना अपने को नमक चाहिए उतना डाल देंगे। मैं नमक हमेशा लास्ट में डालती हूँ दाल में ज़्यादा करके, ठीक है। नमक डाल दिया और अभी इसमें डालेंगे कोथमीर, यहाँ हो चुकी है हमारी मस्त मस्त दाल रेडी, ठीक है। अभी मैं आपको चिकन को मसाला लगाते हुए बताऊंगी, तो अभी गैस बंद कर देते हैं। सो गाइस फैन बंद करना था मुझे तो अभी अपन चिकन 65 बनाएंगे। उसमें मैंने अभी आधा किलो चिकन ले लिया और थोड़ा सा ये कड़ी पत्ता काट के डाल रही हूँ उसके अंदर, ठीक है। और अभी इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, एकदम थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गरम मसाला, और लाल मिर्ची, कश्मीरी नारियल मिर्ची, और जो आंटी ने पिसा के जो तीखी वाली होती है लाल मिर्ची वो थोड़ी सी डालूंगी। ठीक है, सॉरी गाइस, मेरे को ना सब डब्बा उब्बा भी बंद करना पड़ रहा है बार बार ना, तो इसके लिए थोड़ा आराम आराम से बता रही हूँ, ठीक है। वो हो गया अपना। अभी कोथमीर डालना है तो ऐसे डाल सकते हैं, नहीं डालोगे तो अच्छा ही रहेगा, कड़ी पत्ता डालो ज़्यादा करके, और इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर, ठीक है, और इसमें डालेंगे आधा नींबू, बीच में काम दे थोड़ा नींबू, आधा नींबू का रस, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, और घर में पिसा होगा तो वो बेटर रहेगा, मैं हमेशा एक ही चीज बोलती हूँ, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी दही, अगर आप क्वांटिटी ज्यादा लोगे चिकन का तो आप चीजें उसको ज्यादा मसाले वसाले इंक्रीज कर सकते हो, बट मैंने
सिर्फ हाफ के जी चिकन लाया कैफ में, तो इसके लिए मैं इतनी, ये फूड कलर कैसे खुलता है खुल गया, तो इसमें थोड़ा सा पिंच फूड कलर, ठीक है, रेड फूड कलर डाल दिया, और सॉरी 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 सबाड़ा थोड़ा हो गया मेरा, थोड़ा मैनेज करना गाइस, क्योंकि आप लोगों को तो पता है मैं एक हाथ से सब कुछ करती हूँ, कारण दिया लड़कियों में कुछ उल्टा ही कर देती हूँ, हर चीज उल्टी हो जाती है मेरे से, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, एक सेकेंड ना गाइस, मैं फोन सेट करके मिलती हूँ। सो गाइस, मैंने इसमें आप लोगों को बता दिया था कि मैंने क्या क्या डाला है, मेरा फोन सेट होने थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि बार बार ये स्टैंड है ना गिर रहा है, इस वजह से पता नहीं क्या हो गया इसको, तो मैंने इसके अंदर डाला था, मैं फिर से बता देती हूँ, कड़ी पत्ता, उसके बाद मैंने डाला नमक, फिर धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, कस्तूरी बोल रही हूँ, एवरेस्ट की लाल मिर्ची पाउडर जो होती है ना, जो कलर वाली रहती है, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, वो डाला, और जो तीखा घर का मिर्ची रहता है वो भी डालो, फिर उसके बाद में थोड़ा सा डाले धनिया पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही और फूड कलर और आधा नींबू निचोड़ दी, ठीक है। और मैंने लिया है अभी यहाँ पर चिंग्स का चिकन 65 मसाला, अभी अपन वो भी डाल देंगे इसके अंदर, तो मैंने हाफ के जी लिया ना, तो मुझे ज़्यादा पूरा पैकेट तो यूज़ नहीं आएगा, हाफ पैकेट ही यूज़ होगा, ठीक है। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, से पूरा मसाला मिक्स कर लें, और अभी इसमें जाएगा गाइस, एक सेकेंड ना, अभी इसमें आएगा थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, ठीक है, मैंने कॉर्नफ्लावर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इसको थोड़ी देर फिर फ्रिज में मैरिनेट होए, हमको छोड़ देना, फिर आप तो प्रोसीजर समझ गए होंगे कि कैसे क्या है, तो मैं इसको मैरिनेट करने छोड़ रही हूँ, फिर आपको फ्राई करने के टाइम पे समदानी को स्कूल से लेने के लिए, और ये लड़के ने क्या किया, चाबी थी तुम्हारे पास तो ठोकी क्यों तुमने, हाँ मेरे को याद ही नहीं था मेरे पास चाबी, वेरी होशियार, और 20 रुपए क्यों मारे तुमने, क्या कर रहे थे 20 रुपए मार के, मेरे बेटे को सामान दिलाया मैंने, बस यही काम है लोग का, चलो अभी कर दू चिकन फ्राई, तुझे तेरे उससे भी तकलीफ है कि मैं मेरे बेटे को कुछ दिलाता हूं, तो कर दू चिकन फ्राई, तो मैंने तेरे को कब का बोला था, मेरे को तो तुमको टाइम लगेगा, क्यों मैं क्या घूमने फिरने गया था, ज्यादा तो अच्छा रहता था यार, देखो कैसा लड़का है, पीछे से आके दोगे तो पैर में मेरे को गुदगुदी कर रहा है, जैसे मैं डर जाऊंगी, बहुत बेकार लड़का है ये मेरे दोस्त, आज तो फुल ब्लैक ब्लैक घूम रहे, ऑलमोस्ट ब्लैक ही गेफ, आज थोड़े अलग वाले आए, हाँ, और बोलते हैं कि बारिश के बाद ठंडी आने वाली है,
हाँ क्या अभी तो कड़क धूप निकली थी मजे ऐसी धूप और इतना गर्म हो रहा है, मैं बेडरूम में लेटी हुई थी, मालूम है कब से एसी चालू करके, वो मैं यहाँ सोया था वो तो पता। ओके यहाँ पर सोए सोफे पे और पूरा पसीने में मम्मस बेडरूम में एसी चालू करके लेटी हुई। ये देखो वहाँ पर पार्टी हो रही है, रुको ना कैफ रुको ना जरा ना। देखो वाले ए वाओ चाकना गया चाकना, क्या पार्टी कर रखे वो लोग, देखते से मस्त जूम हुआ है मस्त पार्टी कर। ये चीज बात की क्या नहीं तूने 10 अंडे के ऊपर? हाँ कमेंट मैंने अभी पढ़ी, बात भी पढ़ी, वही कमेंट आ रहे 10 अंडे 10 अंडे। अरे दो टाइम का खाना बना था यार, एक टाइम पे हम लोग इतना अपशी नहीं बैठे हैं। हाँ एक टाइम का अंडा नहीं खाते हम लोग, एक टाइम में 10 अंडे नहीं खा सकते। हाँ, दो टाइम का खाना बना था और दो टाइम में भी 10 अंडे बहुत है दो लोग के लिए, पर इसलिए बना है क्योंकि पेट भर के खाना चाहिए यार, मौत कब आ जाए पता नहीं है कि नहीं। के मस्त अंडे के अंदर की जड़ जैसे चावल और सालन में मिक्स करने का, फिर उसको खाने का, फिर ऊपर से फिर वो खाने का वाइट ऊपर का, क्या लड़का है रे। तो चलो अभी जा रही हूँ मैं चिकन फ्राई करने और आप लोग को भी बताती हूँ। अरे हल्की हल्की बारिश आ रही है, देखो दिख रही है, हल्की हल्की रिमझिम बारिश गिर जाएगी और यहाँ पर इल्लो की दारू चकना खराब हो जाएगी। क्या ही खाते बेटे यार ये लोग, मजदार मैंने आप लोगों ने इल बताया नहीं हूँ मैंने, क्योंकि मैं भूल गई कि जैसे अभी ये लोग तो आए हैं, साथ ही साथ ये नए और आ गए हैं। सो जैसे अगर कोई मेरे ब्लॉग्स पहले से देखता होगा तो उनको याद होगा मौली और सितारा जो यही ब्रीड के थे, बट वैसे नहीं मिले कैफ को, है ना कैफ, ये थोड़े वाइट में है। ये भी शिरिन को पता नहीं था मैं लाने वाला, ये समझ मेरे को पता नहीं, मैं यहाँ लेटी पड़ी थी और कैफ आए समदानी को लेके और आके किचन में गए लड़का और कुछ तोड़ फोड़ में क्या कर रहा है। फिर उसके बाद में मालूम पड़ा कि इसने मच्छी लेके आया, धीरे धीरे बिल्डिंग भी पूरी ढक में आ गई। ब्लैक दो अलग अलग लाने वाला था, एक ऑरेंज एक ब्लैक लाने वाला था, फिर मैं बोला नहीं वाइट ही ले लेता हूँ। तभी उधर भी एक मच्छी हो गई और यहाँ पर भी मच्छियाँ हो गई। अभी ऐसी देख के आया हूँ यही पर, वाइट एंड ऑरेंज कलर की। अभी मैं घर के बाहर जाती हूँ, ठीक है? क्यों उसको उसके अंदर यार ये लोग ऐसे हाथ में आके ऐसे खेलना चाहिए, तो हाथ डालना बराबर रहेंगे। मैं वैसा नहीं बार बार नहीं डालते, ऑक्सीजन का वो लगा रहा था ना बराबर आके मेरे हाथ पे लोग पप्पियाँ दे रहे थे, मैं बहुत मस्ती हो रहे लोग पर माशाल्लाह। चलो जाते मैं चिकन फ्राई, नजर लग जाएगी बच्चों को। चलो मैं जा रही चिकन फ्राई करने, बाय बेबी। यहाँ पर मस्त चिकन मैरिनेट हो चुका है और यहाँ हो रहा है तेल गरम, तेल गरम हो जाए फिर उसके बाद में अपन चिकन फ्राई करेंगे। तो अभी अपन पहले डालेंगे इसके अंदर कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची, फिर जो मैंने हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता जो डाला है ना उससे और टेस्ट इनहैंड, इसमें मस्त अच्छा आता है टेस्ट, इनहैंस हो जाता है, ठीक है? आप लोगों को बस ये बाकी का प्रोसीजर बताना था और बाकी क्या है, चिकन फ्राई हो जाए निकाल लो, दाल में दाल चावल के साथ खा लो, ठीक है? तभी चिकन फ्राई हो जाए फिर आप लोग को मिल जाए। क्या कॉम्बिनेशन है, कड़क धूप, देखो मस्त कड़क धूप और बारिश। अरे वो देखो दारू पीने लोग कहाँ घुस के छुप के बैठे, ट्रेन के नीचे जाके बैठ गए। बोले क्या बोले, गुलबर्गा गए थे ना? हाँ तो वो होटल में गए थे खाना खाने, हाँ तो वहाँ पे जब उसने वो मटन लाके दिया था, हाँ, सेम है ना, सेम ऐसी कड़ी पत्ते का वो मारते, कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची, कड़ी पत्ते का वो मारते
पूरा सेम अभी क्या पता टेस्ट भी हो सकता है वैसी हो। देखा आई एम सो स्मार्ट। अरे यार चिकन फ्राई हो रहा है। गुलबर्गा में भी ना दरगाह के बाहर भी हो या कोई भी ऐसा वहाँ पर होटल्स में जाए ना तो उधर ज़्यादा करके ना ऐसे ही चिकन फ्राई किया जाता है, और चाहे वो बोलते ना बीफ का हो या फिर नॉर्मल चिकन का हो या मटन जो भी होता है तो वो ऐसे ही ज़्यादा करके लोग फ्राई करते हैं। मतलब आप देख सकते हो चिकन का आवाज़ देखो आवाज़। दिखा, दिखा, जरा दिखा आवाज से भी छोड़ना। स्पाइसी है भाई। हाँ बे स्पाइसी है ना। इसके लिए तो दाल के साथ मस्त है। निकल निकल खाना निकल निकल। तो चलो हम लोग अभी खाना खाने बैठे हैं, खाना खा लेते हैं, और काफी लेट खाना खा रहे हैं हम लोग है ना। चलेगा कोई नहीं क्योंकि नहीं खाना तो दाल चावल तो बन चुका था, चिकन भी मैरिनेट हो चुका था कब का, बट कैफ थोड़ा नींद मार लिए थे इससे निकालने का ना दाल निकालना इससे उससे चावल निकालना। तो इसके लिए अभी हम लोग खाना खा रहे हैं लेट। चलो जी हाँ खा के आप लोग से मिलते हैं। हाँ और आज 10 अंडे नहीं है, आज आधा किलो चिकन है। अल्हम्दुलिल्लाह से खाना हो चुका है, बहुत भीगी भीगी सी दिख रही है क्योंकि अब भी पूरा मुँह धोई क्योंकि तेल का काम करी, सोची खाना खा लेती हूँ फिर उसके बाद मुँह धोती हूँ। बस पूरा किचन विचन क्लीन करके और अभी फारिग से बैठी हूँ, और खाना माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना है ना। क्या बस चावल में थोड़ा नमक कम रह गया मेरे से, नो प्रॉब्लम। जो चिकन था उसके साथ में जो मिक्स करके वो चिकन बहुत अच्छा फ्राई वाला, और जरूर ट्राई करना गाइस, जरूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी बना था चिकन है ना जान। बहुत अच्छा बना था। अब मैंने ज्यादा नहीं लाया, मैंने सोचा कि आधा किलो ही बनाते, कैफ ने ज्यादा भी नहीं लाया, अगर थोड़ा ज्यादा रहता तो जैनब को ही मिलती थी, जैनब तो पागल हो जाती थी क्योंकि गुलबर्गा में हम लोग ने चिकन खाए थे, तो जैनब को अभी तक वो टेस्ट वो बोलती रहती कि यार मुझे बहुत पसंद है बहुत पसंद है। अब मेरा सेम टू सेम वैसा बना, बट नेक्स्ट टाइम मैं उसके लिए जरूर फ्राई करके उसको भेजूंगी है ना। और अभी तो एकदम ज्यादा ही लेगा फिर नेक्स्ट टाइम अगर बनाने का रहेगा है ना, ज्यादा ही लेगा देखा क्या बोला उसने। सुने आप लोग ने नहीं सुने, मैं आप लोगों को बताती हूँ उसने क्या बोला। उसने बोला कि ना इस टाइम मैंने ना आधा किलो लेके आया, बट ना अभी इतना अच्छा फ्राई हुआ ना तो मैंने ज़्यादा नहीं खाया, मैंने बोला रात को कम पड़ेगा इसके लिए मैं अभी ना नेक्स्ट टाइम ज़्यादा लेके आऊँगा, तो फिर मैं ना मस्त दबा के खाऊंगा है ना। सही बात है ना यार, नहीं खाने के लिए खाना खाते खाते ना चिकन के बाउल में बार बार देख रहे थे कि लू कि नहीं लू, लू कि मैं बोली भी ले लो, मैं बोली भी थी तुम लाए चिकन तब भी मैंने बोली ना जान चिकन कम में करके। मेरे को क्या मालूम आधा किलो आप उनको कब पड़ेगा, पड़ता ही है माशाल्लाह से तो है अब। अच्छा आधा किलो तो एक किलो रहता तो उसमें भी पिंपल, और ये देखो पिंपल इतना मेरे को पिंपल होने लगा गाइस क्या बताऊं, मेरे को यहाँ पर भी ना ये देखो यहाँ पर दिख रहा नहीं रहेगा एकदम रेड रेड सा एक डॉट आया है, ऐसा इतना दर्द दे रहा मेरे ना न, न, इसको क्या बोलते हैं घुटने के पीछे वाले हिस्से को, हैमस्ट्रिंग। इंग्लिश वाले अपन नहीं है, बैंड्रा पीपल नो इंग्लिश वेरी मच, तो मेरे को उधर भी आया मालूम इतना दर्द दे रहा है ना मेरे को। चलो कोई ना, और गाइस कैसी लगी बताना। अरे मेरे को ये नहीं समझ में आता तू डेली टमाटर कोई भी चीज में यूज कर रही है ना, तो कमेंट आता ही है टमाटर महंगा हो गया। अरे हाँ हमको भी पता है मुझे टमाटर महंगा हो गया तो क्या खाने चीज खाने की है तो खाएंगे नहीं तो क्या करेंगे बताओ। और एनीवेज गाइस आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा, और दाल तो इजी है बनाना है ना, दाल तो कोई भी बना सकता है, बट बहुत लोग बहुत अलग अलग तरीके से दाल बनाते हैं, तो आप लोग कैसे बनाते हो वो भी मेरे को कमेंट में बताना, तो मैं भी ज़रूर ट्राई करूँगी किसी एक की दाल है ना, किसी एक अगर अगर ज़्यादा लोग ने कमेंट किया तो कोई ना एक में से एक चॉइस करके रेसिपी हम लोग ज़रूर ट्राई करूँगी। यस मैं ट्राई करूँगी, और मैंने ना सोचा है कि कैफ मेरे लिए एक दिन कुकिंग करें। गाइस कमेंट करके बताओ क्या होना चाहिए। यस और वो क्या बनाना चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा चबी हो चुकी हूँ कुछ दिनों में। एनीवेज तो आप लोग से मिलती हूँ मैं बाद में, और अगर रेसिपी ट्राई करें तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताओ, छोटे छोटे यूट्यूबर्स को ज़रूर प्यार दो है ना, हम जैसे प्यारे छोटे छोटे से यूट्यूबर्स कहाँ जाएंगे अगर आप लोग ऐसा करोगे तो। चलो कोई ना, काफ़ी लंबी बात होगी, मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर बाद।
पे रेडी हो चुकी हूँ। मैंने पहना है आज ये कुर्ती और इसके नीचे पहना मैंने जीन्स, ठीक है। और अपना क्या नाम है, पहले हमको ना एक मेरे काम, मतलब जैनब का एक काम से जाना है, तो पहले वो करेंगे, फिर उसके बाद में मुझे जाना है जीटीबी ना, जीटीबी जाना है। जीटीबी इसलिए जाना है क्योंकि एक लड़की है, इसरा नाम है आई थिंक सो उसका, मुझे इतना प्रॉपरली याद नहीं, तो उसने मुझे मैसेज किया है। मैं लाइव आई थी परसों आई थी मैं लाइव, तो मैं परसों लाइव आई थी, तो उसने ना बोला कि दी मुझे आपको कुछ भेजना है ये वो, तो मैंने उसको बोला कि डीएम करो, तो उसने बोला ठीक है। तो उसने मुझे डीएम किया और डीएम में उसने लिखा था दीदी मुझे आपको अगरबत्ती और लोबान देना है, क्योंकि मैंने बोला कि फिर आपको प्रमोशन के लिए पेज कौन सा रहेगा ये वो, तो उसने बोला कि नहीं मुझे आपको प्रमोशन के हिसाब से नहीं दे रही, मुझे आप पसंद हो और आप घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो अगरबत्ती लोबान, तो इसलिए मुझे वो आपको वो चीज़ देनी है। तो उस दिन मुझे बहुत अच्छी लगी। उसने बोला कि आप क्या बोला, आप मेरे फेवरेट हो और आप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो, इसलिए कितना छिड़ता आदमी है ये, छिड़ता आदमी, आप लोग छिड़ता आदमी। और मैं इसे तैयार हुई ना, ही सो जलमुखड़ा सेइंग कहीं नहीं जाना है सीधा, याद रखना बोलते कहीं नहीं जाने का है, जरूरत नहीं, घर के अंदर ही रहेंगे। देखो चलो कोई ना, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, तो मैं आपसे मिलती हूँ, पहले काम निपटा लूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे सीधा जीटीबी के यहाँ मिलती हूँ। हम लोग जीटीबी पहुँच चुके हैं और इसराई नाम है, इसरा जो है वो पीछे तरफ है। मुझे बोलती दीदी आप एक बार बोले थे ब्लॉग में गाड़ी बराबर चल रही, मैं वहाँ पर हूँ, और हम लोग ब्रिज चढ़ गए और वहीं पर ट्रैफिक बहुत थी। यस, तो सर आप यू टर्न मत मारो, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, अटक जाओगे, मैं ही आ रही हूँ। तभी हम लोग रुके हुए हैं, तो सी। और मैं ना कैब का भी बोल रही थी यार, कोई ऐसा भी निकलना चाहिए ना यार, दीदी आप कैमरे में इतने मोटे दिखते हो बट सामने से बिल्कुल भी नहीं दिखते हो, ऐसा कोई निकलना चाहिए जान, कहाँ से निकलेगा इंसान। आप ही मुझे इसरा बराबर नाम है ना, हाँ मैंने थोड़ा कन्फ्यूज हो रही थी, इसरा मिल चुके हैं और माशाल्लाह से देखो इतना सारा सामान दिए, और इनकी खुद की शॉप है और ये ऑनलाइन भी बिजनेस करते हैं, तो जो भी सामान है मैं आप लोगों को घर पे आके बताऊंगी, और इनकी आईडी में जरूर मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, नेक्स्ट टाइम हम लोग शॉप पे जाएंगे, हाँ शॉप पे भी विजिट करेंगे इंशाल्लाह। और थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह इतना प्यार के लिए, और हर चीज़ बराबर से लेके, कैफ के ऊद पसंद है और घर में जो लोबान का वो है, तो हर चीज़ बराबर मालूम है, थैंक यू सो मच, बहुत बड़ी बात है। चलो कैन टेल यू कि मैं इतनी खुश हूँ कि यार मैं खुश भी और मैं शॉक भी हूँ। हाँ मतलब लाइक इतनी बारीकों से चीज़ें देखते यार, कोई मेरे को इतना बिल्कुल भी यकीन नहीं था, कोई इतना बारीकों से मेरी ब्लॉग, हाँ बारीकी से इतने मेरे ब्लॉग ये सब देखते हैं कि यार हम लोबान करते हैं तो लकड़ी का स्टैंड है हमारे पास, और मेरे को ज़्यादा खुशबू से सर में दर्द होता है, हर चीज़ उसको बोला, हर चीज़ लिटरली मैं एकदम शॉक हूँ यार इतना भी आप। और मैंने एक ब्लॉग में तूने ही बताई थी कि मेरे को ऊद बहुत पसंद है, यस, तो स्पेसिफिकली मेरे लिए सिर्फ ऊद की चीज़ें, यस ओके, लिए ऊद की चीज़ आई है, मैं आप लोग को हर चीज़ बताऊंगी। और इनका ऑनलाइन बिजनेस भी है और बहुत ही रीजनेबल रेट्स में, तो अगर जिस यस और जिसको भी चाहिए होगा तो आप प्लीज़ उनको कॉन्टैक्ट करना, मैं उनका आईडी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, चलेगा ओके। तो चलो मैं आप लोग से माइंड पहुँच के लगती हूँ, इतना कभी चिपकते हैं देखो अम्मा जी है ये सोना जी, प्यार प्यार गिराएंगे लोग मेरे को, मजाक के चक्कर में शूट करना ही भूल गए अभी हम लोग, कुरान को छोड़ के निकल गए अभी हम लोग, बट हमेशा अपने साथ ऐसी हो, अभी फिलहाल ऐसा हो रहा है, तो पहले तो हम लोग थोड़ा शूट कर लेते थे, पर अभी फिलहाल ऐसा हो रहा है कि हम लोग शूट ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम लोग क्या करते माने में एक जगह में बैठ जाते हैं मस्त बाइक लगा के, और सब लोग हंसी मजाक करते 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 ध्यान से ही उतर जाता है यार शूट करना है, और वैसे भी हम कहीं जाते भी नहीं है कटर रोड पे, ना राउंड मारते ना कुछ करते, बस एक कोना पकड़ के हंसी मजाक करते और बैठते बस, है ना क्या, तो क्या दिन भर कुछ ना कुछ करके शाम को तो एटलीस्ट अपना टाइम निकालना ही चाहिए, है कि नहीं। तो कोई ना, अभी हम लोग जा रहे हैं घर, तो मैं आपसे घर पहुंच कर मिलती हूँ। और गाइस
इतना आँख से पानी, बाप रे बाप, मेरे दोनों आँखों में से इतना पानी आ रहा है कि जिसकी कोई हद ही नहीं, रुक ही नहीं रहा है पानी, इतना नॉइस पॉल्यूशन कर रहा है। चलो ठीक है गाइज, आप लोग से मिलते हैं घर पहुँच कर। तो गाइज हम लोग आए हैं, किधर आए अपन, 90 फीट रोड पे, क्योंकि कैफ का मन कर रहा है गुलाब जामुन खाने का। जो ठेले पे लेके घूमते ना वो वाले गुलाब जामुन कैफ को बहुत अच्छा लगता है। हाँ तो दिखा भी शायद मिलेगा कि नहीं पता नहीं, देखते हैं। नहीं है, है? है, 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 है। तो चलो अभी मिल गया गुलाब जामुन फाइनली। कैफ बोले बटर स्कॉच आइसक्रीम के साथ खाऊंगा गुलाब जामुन। बस चाशनी ज्यादा मत दो, कितने के पड़े तुमको, कितने हैं, कितना होगा, कितना, 30 रुपए के 6 गुलाब जामुन, 5 रुपए के, 6 रुपए का एक है बट 5 रुपए का एक भी है। अच्छा भैया जी अच्छे हैं। चलो अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाकर हमारा हो चुका है और अभी मैं बैठा हूँ और ये बटर स्कॉच आइसक्रीम का टब जो आधा उस दिन खाए थे हम लोग तो बाकी रख दिया था हमने, और यहाँ पर है गुलाब जामुन। तो अब ये मस्त मिक्स करूँगा और खाता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आपसे मिलते हैं आराम से। आप देख सकते हो कितना सारा सामान उन्होंने दिया है यहाँ पर, ये अगरबत्ती, ये भी अगरबत्ती है, ये भी अगरबत्ती है, कुछ नाम और अभी इसकी खुशबू कल पता चलेगी। Yes. Exactly. और ये क्यूब वाली है जो कैफ जब लोबान करते थे, मैंने आज ही बताया था, है ना, बकूर उसके ऊपर डालते तो वो वाली है। और उनके पास ये बॉडी क्रीम भी है, ये कैफ के लिए खास करके दिए अगर उद, तो ये एक है, और एक ये दिए नाइट ऑफ मदीना एंड पिंक आइस, ये दोनों मेरे लिए दिए और ये कैफ के लिए दिए, और स्पेशली कैफ के लिए उद वाली अगरबत्ती भी दिए है। और यहाँ पर आप ये देख सकते हो ये है इलेक्ट्रिक अपना क्या नाम है इसको, क्या बोलते जान, इलेक्ट्रिक बर्नर, दानी, कपूर दानी टाइप से, देखो यहाँ पर ये दिया है, तो ये है ठीक है। इसके ये जब हीट हो जाता है तो उसमें ये एक या दो ड्रॉप डाल दो तो पूरा, हाँ दो से तीन ड्रॉप डाल दो तो पूरा एकदम घर महकने लगता है। तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें और बहुत रिजनेबल रेट्स में इनके पास है। तो मैं इनका आईडी मेंशन करूँगी, इंस्टाग्राम आईडी ठीक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। फुल नींद में आ गई हूँ मैं, बट अभी थोड़ा पहले ही इनकी स्टोरी भी बना लूँ, उसके बाद ही सोऊंगी। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मेरी रेसिपी कैसे लगी ज़रूर बताना, और चिकन ज़रूर ट्राई करना, ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा बना था। हाँ कैफ एक नंबर बना था चिकन। हाँ चिकन ज़रूर ट्राई करना, और मस्त गर्मा गर्म, एक्चुअल में ना मैंने एक ही टाइम पे बना के रख दिया, पर ऐसा नहीं रखना चाहिए। आप लोग अगर दो टाइम खाने के हिसाब से लोगे तो आप पहले आधा जितना आप लोग को अभी स्टार्टिंग में लगेगा दोपहर के खाने में, है ना, उतना तभी फ्राई करना, और बाद में जब आप खाओगे फिर से खाना तभी आधा फ्राई करना। वो बहुत अच्छा था, ज़रूर रेसिपी ट्राई करना। और मेरी रेसिपी गाइस ऐसी ही होती है, लोग कभी कमेंट करें कि आपका सालन में ऐसा था, फलाना था, ढिमकाना था, बराबर ये नहीं हुआ, बराबर गला नहीं, फला नहीं, तो शायद हम लोग बराबर खा के पेट भर के खा के सोते, और फिर आप तो समझ ही गए होगे, है ना। तो ऐसे ही हम खाना खा लेते जिसमें स्वाद वाद कुछ भी नहीं, और ऐसे ही हम खा रहे हैं, है ना। तो और से ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं तो फिर मैं भड़क जाऊँगी। एनीवेज अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्यार देते रहना, प्यार बढ़ाते रहना, और छोटे मोटे यूट्यूबर्स के पेपर भी ध्यान देना थोड़ा सा प्लीज़, ठीक है। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।